दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आयुर्वेदिक उपचार में। दोस्तों आज हम आपको एक बिल्कुल छोटा सा आपको एक नुस्खा बताने वाले हैं दांत के दर्द का। अचानक कई बार हमें दांत में दर्द हो जाता है, जाड़ में दर्द हो जाता है, पायरा के अंदर हमें जाड़ में दर्द हो जाता है, दांतों में चीस लगती है, ठंडा गर्म हमें लगता है, उन सभी के लिए एक छोटा सा उपाय है। कई बार हमें अचानक रात को जाड़ में दर्द हो जाता है तो हमें उस समय कई बार मेडिसिन उपलब्ध नहीं होती, डॉक्टर हमारे पास उपलब्ध नहीं होता, तो आप ये फार्मूला करके दांत के दर्द को तुरंत 2 मिनट के अंदर ठीक कर सकते हो। तो आपको करना क्या होगा, आपके पास सिर्फ छोटी सी ये देख सकते हैं फिटकड़ी का टुकड़ा, सफ़ेद फिटकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए और आपके पास लौंग होनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, एक आधा कप पानी लेना है, आधा कप में पानी के अंदर ये फिटकड़ी का टुकड़ा डाल देना है और इसको हिलाना है 2 मिनट तक इस पानी को हिलाना है ताकि फिटकड़ी इसमें अच्छे से घुल जाए। और ये लौंग है, लौंग को आपको उबालना है, करीब आधे कप में 4 से 5 लौंग आप उबाल लीजिए, 4 से 5 लौंग आप उबाल लीजिए। जैसे हमने उबाला हुआ है लौंग का पानी, करीब 12-13 लौंग इसके अंदर डालकर करीब 1.5 कप पानी है इसमें हमने उबाला हुआ है आपको दिखाने के लिए। तो 2 मिनट तक इसको हिलाना है फिटकड़ी वाले पानी को, हल्का गुनगुना पानी आपको इसके अंदर लेना है, ये ध्यान रहे, हल्का गुनगुना पानी के अंदर फिटकड़ी का टुकड़ा ले लेना है। अब ये देखिए हमारी फिटकड़ी घुल गई है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी, लौंग वाला पानी भी डाल देना है। अब इस पानी को हिला करके अपने मुंह के अंदर भर लेना इस तरह। इस तरह से मुंह में पानी भरकर 2 से 3 मिनट मुंह को हिलाना है ताकि पानी हमारे दांतों तक अंदर तक चला जाए और देखेंगे तुरंत 2 मिनट के अंदर आपका दर्द कम हो जाएगा। और इस पानी की प्रक्रिया को, इस फार्मूले को दिन में 3 बार 4 बार आपको करना है। आपका दर्द, दांत का दर्द, जाड़ का दर्द, दांत में चीस लगती हो, ठंडा गर्म आपको अगर लगता हो तो 3 से 4 बार एक दिन में कीजिए। पहले दिन में ही आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, दांत का दर्द, जाड़ का दर्द, ठंडा गर्म आपको लगता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको करना कैसे है, मुंह में भर करके हिलाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से हिलाना है और आपको ध्यान रखना है ये प्रक्रिया कुल्ला करने के बाद आपको करीब 1-1.25 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए ताकि जो फिटकड़ी और लौंग का जो पानी है वो अंतर तक पूरा काम करे। अगर आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार प्रक्रिया जरूर करके देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें पहला कुल्ला करने से आपको फ़र्क होगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा नुस्खा है, अगर आपको रात को कई बार डॉक्टर मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है तो आप इस फार्मूले को अपनाइए। अगर आपके पास लौंग नहीं होती तो अकेला फिटकड़ी के साथ भी आप इस प्रक्रिया को कर सकते हो, हल्के गुनगुने पानी में छोटा टुकड़ा 2 मिनट तक घोला और उसको कुल्ला कर लिया तो आपको तुरंत आराम मिलेगा दांत के दर्द में। तो आइए एक बार आप इस प्रक्रिया को जरूर अपना के देखें और फ़ायदा उठाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। नमस्कार दोस्तों।